गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने जा रही है अ रेसिपी वीडियो। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अ ट्रेडिशनल रेसिपी ऑफ आरिफ लड्डू। आरिफ इज आल्सो नोन एज हलीम एंड ये बहुत ज़्यादा रिच होता है आयरन में और ये इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है प्लस नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तीनों चीज़ों की प्रॉब्लम जो है पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा सुनने में आई है एंड इट इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं लोगों के, प्लस उनको स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्रैकी स्किन हो रही है एंड स्किन बहुत पील हो रही है और नेल्स ग्रो नहीं हो रहे। तो गाइज जो आरिफ है इट इज़ वेरी रिच इन आयरन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आयरन, इसमें बहुत रिच है ये। तो इसके लिए क्या है कि इसको आप ऐसे नहीं खा सकते आरिफ सीड्स को और ना ही आप इसको पानी में ले सकते हैं। आपको इसको विद अनदर फैट लेना होगा लाइक घी के साथ, मिल्क के साथ। तो व्हाट आई हैव डन इन माय रेसिपी टुडे, आई हैव टर्न्ड आरिफ सीड्स इनटू लड्डूज। तो वो मैंने कैसे किया है, उसको मैंने क्या रेसिपी में मैंने यूज़ किया है तो वो आप मेरे साथ फटाफट से चलिए मेरी किचन में और हम लोग मिलके बनाते हैं आरिफ लड्डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आरिफ लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 1/2 कप आरिफ सीड्स। अब इसमें हमें कोकोनट वाटर ऐड करना है एंड इसको अच्छे से मिक्स करके हमें ये देखना है कि आरिफ सीड्स फूल जाएं। इतना वाटर इसमें ऐड करना है कोकोनट वाटर कि हमारे जो आरिफ सीड्स हैं वो फूल जाएं। तो अगर आपको नीड लगती है इसमें कि हमें और ऐड करना है, तो जैसे मुझे यहाँ पे नीड लग रही है तो मैंने थोड़ा और कोकोनट वाटर इसमें ऐड किया। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए लाइक वो सोक कर ले अच्छी से कोकोनट वाटर आरिफ सीड एंड अच्छी से हमारे आरिफ सीड्स फूल जाएं। इतना हमें कोकोनट वाटर इसमें ऐड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा नारियल पानी जो है सोक कर लिया है सीड्स ने। एंड इन केस आपके पास कोकोनट वाटर नहीं है या कम पड़ जाता है कोकोनट वाटर फ्रेश वाटर, तो इसमें आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ी सी और नीड लग रही है तो मैंने थोड़ा और कोकोनट वाटर ऐड कर दिया। जस्ट कंसिस्टेंसी आप अपनी देखिए, तो यहाँ मुझे नीड लग रही है तो मैंने थोड़ा और ऐड किया है, जस्ट अच्छे से फूल जाए बस ये। और इसके बाद इसको हमारे को 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखना होगा 10 मिनट्स के लिए। अब इसमें हमें 1.5 कप ग्रेटेड कोकोनट डालना है एंड गिव इट अ गुड मिक्स। ये देखिए ये मैंने अच्छी से इसको मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को एंड ये अच्छी से जब मिक्स हो जाएगा आपका तो इसमें आपको 1 कप पाम जैगरी डालना है। देन अगेन गिव इट अ गुड मिक्स। तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इनफैक्ट 4 चीज़ें हो गई इसमें, कोकोनट वाटर भी है, देन आरिफ सीड्स हैं एंड ग्रेटेड कोकोनट है, फिर हमने इसमें पाम जैगरी डाली। अब अच्छी से मिक्स कर लीजिए इसको सारे को। ये देखिए ये हमारा बढ़िया तरीके से सारा मिक्स हो गया एंड इसको मिक्स करने के बाद सब चीज़ों को इसको आप 1/2 आवर के लिए कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको आप साइड पर रख दीजिए। आधे घंटे बाद 2 बड़े चम्मच घी में इसको आप पका लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया। थोड़ा सा और इसको हम अभी फ्राई करेंगे, अच्छी से ये पक जाए एंड जैसे ये रेडी हो जाता है तो आप इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं।
सो गाइज ये थी आरिफ लड्डू की रेसिपी एंड इफ यू हैव लाइक माई वीडियो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑफ कोर्स ट्राई दिस रेसिपी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल एंड माई वीडियो सो गाइज आई विल मीट यू अगेन इन सम अनदर वीडियो स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ बाय